हेलो दोस्तों, आज हम आम की खटमिट्ठी बनाने जा रहे हैं। ये मीडियम साइज का आम है, इसको अच्छी तरह से धो के पोंछ लिए हैं। अब इसको छील के काट लेंगे। देखिए, इसमें जरा सा भी हरा नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम वाइट छीलना है। इसमें का ये निकाल दीजिएगा, इसका आंठी बाहर निकाल देंगे। फांक है ना, आधा केजी है। जितना आम का फांक रहेगा उतना ही चीनी, आधा केजी। अब कढ़ाई गरम करेंगे। आधा किलो आम का फांक बनाने के लिए 1 चम्मच मेथी और 2 चम्मच सौंफ, मोटा वाला सौंफ। अभी दोनों को भून लेंगे। भुना जाएगा तो इसमें सौंफ डाल के भून, लाल करना है इसको। देखिए, इसमें से खुशबू आने लगा है, ये भून चुका है। अब इसको निकाल देंगे, गैस बंद कर देंगे। इसको निकाल के जो ठंडा हो जाएगा तो इसको दरदरा पीस लेंगे। एकदम महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। कढ़ाई में आम डालेंगे, गैस बंद है। अब इसमें चीनी डालेंगे, ये आधा केजी चीनी है। गैस अभी बंद है, अभी गैस बंद में ही इसमें चीनी डालना है। और ये देखिए, नमक, आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे एकदम कम आंच पर। इसको पहले चीनी को पिघलाएंगे, इसके साथ आम का भी पानी निकलेगा। बिना एक बूंद का तेल नहीं डालना है इसमें, जरा सा भी तेल नहीं डालना है। इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। ना पानी डालना है ना तेल डालना है, एकदम धीमा आंच पर इसको धीरे धीरे पिघलाना है। इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से चलाते रहना है जब तक इसका पानी नहीं छूट जाए। जब पानी छूट जाएगा तब इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें पानी छूटने लगा है, अब इसका मीडियम आंच कर देंगे। धीरे धीरे ही पूरा पिघल जाएगा। ये जो सौंफ और मेथी हम भूज के रखे हैं, इसको हल्का सा पीस लेंगे, मोटा पीसना है, महीन। देखिए, ये हल्का दरदरा है, एकदम महीन नहीं है। ये पूरा पानी छूट गया है इसमें। अब इसमें हल्दी डाल लेंगे, हल्दी पाउडर। देखिए, हल्दी पाउडर, इसका कलर पीला हो जाना चाहिए, उतना हल्दी डाले। अब इसको थोड़ा देर सिझाएंगे। इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे तो ये कितना अच्छा खुश कलर आया। सीझ गया है, अब इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। जितना आप तीखा खा सकते हैं उतना डालिए। आम हमेशा कच्चा ही रहना चाहिए, पका हुआ नहीं रहना चाहिए। आम कच्चा आम का ही अच्छा बनता है। अगर मीडियम साइज का आम मिले तो उसका बहुत अच्छा बनता है। अब ये गाढ़ा हो गया है, आम भी पूरा पक गया है। इसमें से हल्का हल्का देखिए एकदम फेन फेन होने लग गया और छीटा हल्का हल्का उड़ने लगा, तो समझिए एकदम परफेक्ट बन गया है। अब इसको बंद कर देंगे गैस को। जो हम पीस के रखे थे सौंफ मेथी, उसमें छीट देंगे। थोड़ा सा मंगरेला डाल देंगे, जिसको आप लोग कलौंजी बोलते हैं। गैस बंद करने के बाद डालना है इसमें।
इसमें हल्का कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। अब इसको दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, स्टील के बर्तन में रखिएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको किसी जार में रख दीजिएगा। इसको खाइए, बच्चे बूढ़े बड़े सबको पसंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।